Hello everyone, I am Aptitude and watching the Social Indian, and in this video we are dealing with the most asked question related to legal GK, that is legal aptitude, jisko aap keh lete hain. Aur bahut zyada humse ye sawal pucha ja raha tha ki sir, how to remember legal maxims. To aaj ki is video mein humne baat ki hai ki legal maxims ko aap kaise yaad kar sakte hain, lekin jo aaj hum aapko trick batane ja rahe hain usse sirf aapki aaj ki nahi, legal maxims ki nahi, puri zindagi ki ek problem solve ho jayegi. लीगल मैक्सिम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और आप सभी लीगल मैक्सिम्स का मतलब समझ पाएंगे. तो क्या है ये ट्रिक, देखने के लिए पूरी वीडियो देखिए. उससे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने जो स्टडी मटेरियल कोर्स निकाला था उसको आज एक महीना पूरा होने वाला है, सिर्फ दो दिन बाकी हैं. तो लीगल प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमने, लीगल जीके प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमने मटेरियल निकाला हुआ था. अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लेना चाहते हैं पे कर आप ले सकते हैं. नीचे मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. तो उसमें आपके लिए क्या क्या कवर होगा मैं वो बता देता हूँ आपको. उसमें आपके लिए कवर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. हमने लीगल के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए रखा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लीगल जीके का ही एक पार्ट है. लोग कहते हैं इसे पॉलिटी में अलग रखते हैं, लेकिन हमने माना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल में हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके जीके को भी साथ साथ कवर करेगा और साथ ही साथ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा लॉ की, कि कहाँ से ये लॉ सारे ओरिजिनेट हुए हैं और इन लॉज के पीछे जो लेजिस्लेशन की जो थिंकिंग है वो क्या है. फिर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी सेट में आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन पिनल कोड, हिंदू लॉ, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हमने 2018-19 तक यहाँ पर आपके लिए कम्पलीट किए हैं, कंपाइल किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं आगे के क्योंकि हम चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स का मटेरियल आए, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, वो उसमें आपको इंक्लूड करके दें, इसीलिए ताकि एक महीने पहले तक के भी जजमेंट्स आपके पास हों. फिर हम आते हैं लीगल मैक्सिम्स पर जो वहाँ पर कोर्स में भी दिए गए हैं और यहाँ पर आज हम बताएंगे आपको कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए. अब लीगल मैक्सिम पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो है कि लोग उसे याद करने की कोशिश करते हैं. अब आप कहेंगे सर जब याद करने की बात कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर लीगल मैक्सिम्स, टाइटल भी आपने यही डाला है वीडियो का, और आप खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग याद करके. तो जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि लीगल मैक्सिम को अगर आप याद करने जाएंगे तो शायद वो एक्सरसाइज फ्रूटफुल नहीं होगी और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि लीगल मैक्सिम्स ऐसी चीज़ है, इतने ज़्यादा लीगल मैक्सिम्स अवेलेबल हैं, आप कितनों को याद करने जाएंगे. अगर आप कोई भी एक पीडीएफ भी उठाकर देखेंगे, जो हम भी पीडीएफ आपको दे रहे हैं, उसमें 1000 से ऊपर लीगल मैक्सिम आप कितनों को याद कर पाएंगे. मुझे नहीं लगता आप अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो भी शायद उन सबको अच्छे से याद कर पाएं, एक एक का वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर पाएं, और शायद आपका एक साल तो उसी को याद करने में निकल जाएगा. तो एंट्रेंस आप अगले साल निकालने की सोचिए अगर आप याद करने की बात सोच रहे हैं. तो यहां पर क्या तरीका निकाला जा सकता है, अब सिंपल से तीन स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी लीगल मैक्सिम का मतलब पता लगा सकते हो और आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहला होगा कि आपको, आप देखेंगे जो मैक्सिम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं. लैटिन लैंग्वेज के जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लीगल मैक्सिम्स में, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से ग्रुप्स में, आपने अगर ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, ग्रुप्स में जल्दी से कॉमन टेबल भेजने की कोशिश करूँ लीगल लैटिन टर्म्स की, जहाँ पर आपको लैटिन टर्म्स के मीनिंग और यहाँ पर वर्ड्स दिए जाएँ ताकि आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें लैटिन की. तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि लैटिन की अगर आपको थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी लैटिन वर्ड्स की, तो उससे आप अपने आप को थोड़ा सा अक्वेंट महसूस करेंगे और फैमिलियर महसूस करेंगे जब भी आप लीगल मैक्सिम को देखेंगे. तो पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा. अब कोशिश कीजिए उसको रिलेट करने की, कोई भी लीगल मैक्सिम आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए डैमनम साइन इंजीरिया दे दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉर्च के नज़रिए से, डैमनम साइन इंजीरिया दे जाता है तो आप कैसे उसे डिकोड करेंगे. अगर आपको डैमनम साइन और इंजीरिया उसे आप रिलेट करें इंग्लिश के वर्ड से, तो कैसे आप कर सकते हैं. देखो यहाँ पर साइन वर्ड सिर्फ ऐसा है जो आप इंग्लिश से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन डैमेज यानी डैमनम और इंजूरिया और इंजरी दोनों को आप कर पा रहे होंगे. अगर आपने थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग, जो मैं कह रहा हूँ टेबल की एक बात कर रहा हूँ लैटिन वर्ड्स की, वो आपने देखी होगी, तो आप उससे पता लगा सकते होंगे कि साइन का मतलब क्या है और आप उसे डिकोड कर लेंगे कि हाँ ये डैमेज विद इंजरी, ये डैमेज विदाउट इंजरी क्या होगा,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। अब उसे आप इंग्लिश वर्ड से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैट्रिमोनाय होता है, वो होता है मैट्रिमोनी से रिलेटेड होता है। एलिनेशन को हम यहाँ पर एलिनेटिव कह देते हैं, फेसाई कहते हैं फेस को, कस्टूडिया कहते हैं कस्टडी को, तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ये इंग्लिश से, तो आप इंग्लिश के साथ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब जब आपने ये दोनों स्टेप्स को कवर कर लिया है तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ब्रेक डाउन करना किसी भी लीगल मैक्सिम को। ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है, एक एक वर्ड को चबा चबा कर आप कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं बोनाफाइड की, तो बोनाफाइड, बोना मतलब गुड, फाइड मतलब इंटेंशन। अब ये फाइड और बोना मुझे कहाँ से पता लगा, क्योंकि मैंने माला फाइड पढ़ा था, माला फाइड होता है बैड इंटेंशन, माला मतलब बैड, फाइड मतलब इंटेंशन। तो थोड़ी थोड़ी अगर आप कोडिंग शुरू करेंगे तो आप अच्छे से बड़े बड़े मैक्सिम्स को भी यहाँ पर डिकोड कर पाया करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा भाई ये तो पता नहीं बहुत ज़्यादा टफ चीज़ बता दी आपने सर ने, पता नहीं क्या ही बता दिया, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा देखेंगे, डी को आप एक मिनट के लिए साइड में रख लीजिए कि आप डी भूल गए हैं भी, यहाँ पर आप मिनिमिस से शुरू कर लीजिए। मिनिमिस से शायद आपको याद आ रहा होगा कि मिनिमल शब्द आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। जब आपको मिनिमल शब्द याद आ रहा होगा तो मिनिमल से आपको याद आ रहा होगा मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है स्मॉल। ये आपको थोड़ा बहुत आप डिकोड कर सकते हैं और आप जब ऑप्शन देखेंगे तो शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। नॉन की अगर हम बात करते हैं, मिनिमिस नॉन, नॉन मतलब यहां पर क्या होता है, इंग्लिश से आप सीधा सीधा कनोट कर सकते हैं कि मोस्टली इसका मतलब होता है नो, ठीक है, या फिर नेगेटिव मीनिंग इसका जाता है, नेगेटिव आप इसको मानकर चल लीजिए, नॉन को कैन नॉट मानकर चल लीजिए। अब आते हैं क्यूरॉट, क्यूरॉट, क्यूरॉट का मतलब क्या होता है, क्यूरॉट का मतलब देखिए ये एक ऐसा शब्द है जिसको आपको अकेंट होना पड़ेगा, आपस में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसका मतलब होता है कैन नॉट और ऑलवेज, और लैक्स मतलब होता है लॉ, लैक्स आपने पढ़ा ही होगा, लैक्स लाइफ यहाँ पर आपने वेबसाइट देखी होगी, लैक्स यहाँ पर लीगल में बहुत यूज़ होता है, लैक्स जो है वो फॉर्म्स में यूज़ होता है, तो लैक्स का मतलब होता है लॉ। अगर आप इस सारे को मिलाकर पूरा कर लेंगे, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स का मतलब होता है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए क्या होता है, क्योंकि मैंने पूरा आपके लिए डिकोड करके बता दिया है, दैट द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद स्मॉल मैटर्स, ये होता है इसका मतलब। अभी इतना बड़ा लीगल मैक्सिम था लेकिन आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्टेप टेक्नोलॉजी थी जो आपने पूरी कर ली। मैं कोशिश करूंगा कि टेबल आपको जल्दी से ग्रुप्स में पहुंचा दूं, लेकिन आप तब तक मैं कहूंगा अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको इस बार प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। क्वारंटाइन में अगर लॉकडाउन को और बढ़ाया भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइसेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, परसों से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, दैट इज 29th ऑफ अप्रैल से प्राइसेस यहाँ पर आपके लिए इंक्रीज हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए, बाद में हमें दोष मत दीजिएगा कि सर बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने जो नोटिस किया है, चेंज नोटिस किया है, वो लोग जो है वो रिव्यू दे रहे हैं कि सर ये तो बहुत सही है, अगर आप मटेरियल देखेंगे तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ सस्ते में और फॉर ग्रांटेड लगे, इसीलिए थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको देखने को मिल सकता है। अब लीगल मैक्सिम को आप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक दिन में 10 लीगल मैक्सिम को डिकोड करिए, आने वाले 30 दिनों में आप 300 लीगल मैक्सिम को डिकोड कर चुके होंगे, और वो मैं मानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से मोर देन इनफ है, अगर आप अच्छे से अच्छे वाले वर्ड्स करते हैं, छोटे मोटे वर्ड्स को नहीं गिनते हैं। तो फिर रिवाइज करिए, हर वीक में एक बार आप टाइम दीजिए और जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। ग्रुप लर्निंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए हम आपके लिए लाइव स्ट्रीम्स भी ला रहे हैं। तो इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।